फिनोल के अंदर रिएक्शन विद ब्रोमीन, रिएक्शन विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। इसका दूसरा नेम है डिटेक्शन ऑफ एसिडिक करैक्टर ऑफ फिनोल, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक करैक्टर। ब्रोमीन इस्तेमाल की जाती है एसिडिक करैक्टर ऑफ फिनोल को डिटेक्ट करने के लिए। इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एसिडिक करैक्टर, कि ये एसिडिक करैक्टर की डिटेक्शन के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एसिडिक करैक्टर, एसिडिक करैक्टर की डिटेक्शन के अंदर ये इस्तेमाल होती है। ब्रोमीन वाटर इज यूज और ब्रोमीन इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ द फिनोल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल की डिटेक्शन के अंदर। अब रिएक्शंस को देखते हैं। दिस वन इज ऑफ फिनोल एंड दिस वन इज ऑफ ब्रोमीन। पहले तो इसके ऊपर फजान रूल्स अप्लाई करेंगे। फजान रूल्स क्या है ये देखते हैं। फजान रूल्स आपके पास क्या होगा, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ वन ब्रोमीन कैन रिपेल द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनदर ब्रोमीन, कि एक ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल करता है दूसरे ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, रिपेल द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनदर ब्रोमीन, यानी रिपल्शन होती है इसके। अब इनकी वजह से पार्शियल चार्जेस क्रिएट होते हैं, पार्शियल चार्जेस क्रिएट होते हैं, वेरी शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस क्रिएट होती हैं, और ये शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस जो होती है दैट इज अ शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस, दिस इज सेड टू बी अ फजान्स रूल्स। अब एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। व्हेन द एटम्स आर कम क्लोज टुगेदर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ वन एटम कैन रिपेल द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनदर एटम, एक एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करता है, यानी रिपेल करता है। देन क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ वन एटम कैन रिपेल द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनदर एटम एंड वेयर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एज वी नो दिस OH इज, अब रिएक्शन ऑफ फिनोल जो है, फिनोल का रिएक्शन बिकॉज ऑफ दिस OH ग्रुप है। इस OH ग्रुप की नेचर को देखा जाए, दिस इज सेड टू बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करता है एट ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन, यानी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन के साथ, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव ब्रोमीन के साथ, और ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक, जहां पे ये रिएक्ट करेंगे वहां से एक एक हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज यूज्ड टू फॉर्म अ ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या हो जाएगा, ट्राइब्रोमोफिनोल, ट्राइब्रोमोफिनोल TBP, ट्राइब्रोमोफिनोल। अब प्लस क्या बनेगा, 3HBr। तो इससे एसिडिक नेचर क्या होगी, एसिडिक किस वजह से, कि यहां से भी प्रोटॉन लॉस हुआ, यहां से भी क्या हुआ, प्रोटॉन लॉस हुआ, और यहां से भी प्रोटॉन लॉस हुआ। अब प्रोटॉन के लॉस की वजह से एसिडिक नेचर के डिटेक्शन के अंदर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे कहा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अपटेन, ऑब्जेक्टिव क्या होगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अपटेन, फॉलोइंग कंपाउंड इज अपटेन when phenol is added in bromine, bromine के अंदर add करेंगे तो कौन सा compound, एक क्या हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, ब्रोमोफिनोल B, पैरा ब्रोमोफिनोल और C, that is क्या कहेंगे, मेटा ब्रोमोफिनोल, मेटा ब्रोमोफिनोल एंड डेल्टा, यानी क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। यानी व्हाट इज द आंसर, दैट इज डेल्टा,
यानी क्या हो जाएगा कि ट्राई ब्रोमो फिनोल क्या हो जाएगा, ऑब्टेन होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। हालांकि उसमें भी आर्थो आता है, पैरा आता है, लेकिन जब भी आपके पास क्या कहा जाए कि फिनोल को रिएक्ट कराया जाएगा किस चीज के साथ, ब्रोमीन के साथ, तो ट्राई ब्रोमो फिनोल इज द मेन प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन ड्यूरिंग दैट रिएक्शन। देन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन देखें। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड अब एट डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट कंसेंट्रेशन। अगर आपके पास हो फिनोल, अगेन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए, हमें इसको ओपन करके लिख रहा हूं HO into NO2 पॉजिटिव नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस एंड H2SO4 की मौजूदगी में, 25 डिग्री सेल्सियस एंड H2SO4 की मौजूदगी के अंदर। नाइट्रिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अब क्या हो जाएगा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एक नाइट्रो ग्रुप का यहां पे अटैक होगा एक के अंदर, एक का क्या हो जाएगा दूसरे फिनोल का क्या हो जाएगा नाइट्रिक एसिड यहां से अटैच होगा और क्या बना देगा, एक बना देगा आर्थो नाइट्रो फिनोल, आर्थो नाइट्रो फिनोल, और एक क्या बनेगा दैट इज द पैरा नाइट्रो फिनोल, कि ये आर्थो नाइट्रो फिनोल और पैरा नाइट्रो फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज कन्वर्टेड इनटू अ आर्थो नाइट्रो फिनोल एंड एज वेल एज अ पैरा नाइट्रो फिनोल, के आर्थो नाइट्रो फिनोल और पैरा नाइट्रो फिनोल के अंदर क्या हो जाएगा ये कन्वर्ट होगा। देन उसके बाद क्या हो जाएगा दैट इज क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अगर बेंजीन का रिएक्ट देखिए, यानी अगर फिनोल आपके पास है और फिनोल के अंदर क्या मौजूद है, यानी थ्री यानी फिनोल मौजूद है और उसके अंदर क्या किया हमने, थ्री नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल क्या किए ऐड किए, अगेन इट इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, आने वाला ग्रुप क्या हो जाएगा एक आर्थो पे एक क्या हो जाएगा अगेन पैरा पे अटैच हो जाएगा एंड फॉर्म अ ट्राई नाइट्रो फिनोल, कि ये ट्राई नाइट्रो फिनोल के अंदर क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज कन्वर्टेड इनटू अ ट्राई नाइट्रो फिनोल विच इज सेड टू बी अ पिक्रिक एसिड, विच इज सेड टू बी अ पिक्रिक एसिड, कि ये पिक्रिक एसिड के अंदर क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपसे कहा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड is not soluble in sodium bicarbonate, के sodium bicarbonate के अंदर soluble नहीं होगा, which one of the following cannot be क्या हो जाएगा कि soluble in sodium bicarbonate, के कौन सा ऐसा component है जो sodium bicarbonate में soluble नहीं होता, which one of the following compound is not soluble in sodium bicarbonate, सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर क्या होगा यानी सॉल्युबल ना हो, ए ऑप्शन इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ए ऑप्शन इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल एंड द बी ऑप्शन इज आर्थो नाइट्रोफिनोल एंड ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा एंड ऑप्शन डेल्टा इज, अगर ऑप्शन डेल्टा देखा जाए दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड के बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्या हो जाएगा कंपाउंड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट, के सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर तो फिनोल कभी भी सोडियम वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, NaHCO3 हिंट क्या देंगे यहां पे, हिंट देंगे NaHCO3 इज अ वीक पॉसिबल बेस, क्या हो जाएगा दिस इज अ वीक पॉसिबल, कि ये वीक पॉसिबल क्या है बेस है, वीक पॉसिबल बेस है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा वाटर के अंदर सॉल्युबल या NaHCO3 के अंदर क्या हो जाएगा सॉल्युबल नहीं होगा। फिनोल व्हेन इट रिएक्ट विद अ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड Which one of the following product is obtained? अब क्या हो जाएगा Which one of following product obtained
when phenol react with concentrated sulfuric acid, हाँ जी concentrated sulfuric acid and then nitric acid, and then nitric acid के साथ react करेगा, कौन सा product बनेगा? A2,4-dinitroxy. A option is क्या कहेंगे? 2,4-6-trinitrox यानी क्या होगा? बेंजीन या फिर picric acid A. उसके बाद बीटा ऑप्शन इस क्या होगा? पैरानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल चार्ली इस क्या हो जाएगा? आर्थोनाइट्रोफिनोल, आर्थोनाइट्रोफिनोल एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज अ नाइट्रोबेंजीन. आपसे कहा जाता है कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, और कौन सा कंपोनेंट क्या होगा जनरेट होगा? शाबाश. With one of the following component is generated when it react with that. कि कौन सा component generate होगा जब ये इसके साथ क्या करेगा? React करेगा. With one of the following component is generated when it react with this one. अब सुनिएगा. That is always via orthonitrophenol. अब सुनिए किस तरह से. आपके पास है पहले phenol. जब भी react करेगा किस चीज के साथ? H2SO4 के साथ. इट ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. यानी अगर मैं इसको बना दूं SO3H फिनोल के लिहाज, यानी पैरा पे अटैच कर दिया, देन अगर क्या करूंगा? नाइट्रिक एसिड अटैच करूंगा, तो ये नाइट्रिक एसिड का इफेक्ट, ये जो पैरा के ऊपर ये मौजूद है, ये नाइट्रिक एसिड को क्या करेगा? इस मेटा पोजिशन पे अटैच नहीं होने देगा. नाउ द ओनली पोजिशन विच इज अवेलेबल इज द आर्थो, के आर्थो पोजिशन पे क्या हो जाएगा? ये अटैच हो जाएगा. Now the incoming nitro group is get attached at the ortho group के लिए, ortho पे क्या हो जाएगा? Attach हो जाएगा. And the answer is ortho nitrophenol. After that, next है reaction with NaOH. आखिरी दो reaction, reaction with NaOH sodium hydroxide के साथ. Phenol react with the sodium hydroxide. This is a structure of a phenol. When phenol react with the sodium hydroxide, किस तरह से? अगर देखा जाए this one is oxygen. अब sodium क्या करेगा? यानी positive charge, negative charge. ये hydroxyl आके इसके positive पे attack करेगा, ये वाला bond hydrolytically break. ये sodium जाके इसके साथ, तो क्या बना देगा? It form a sodium phenoxide ion. It form a sodium phenoxide ion along with the water molecule. कि ये sodium phenoxide ion क्या करेगा? बनाएगा, और with the water molecule क्या करेगा? Produce करेगा. The most important component is the acidic nature of phenol. Acidic nature of phenol. Phenol ki acidic nature. Acidic nature of phenol. Why phenol is acidic in nature? Why? फिनोल इज एसिडिक इन नेचर. के फिनोल एसिडिक इन नेचर क्यों होता है? वजह क्या है? फिनोल के एसिडिक, यानी फिनोल एसिडिक नेचर का है. किस वजह से फिनोल एसिडिक होगा ये हमने देखना है. पहली रीजन, फिनोल रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता है. पहला है फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखते हैं. अब अगर देखा जाए फिनोल को, दिस वन इज आ स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल. फर्स्ट फिनोल क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? लॉस करेगा, एंड इट फॉर्म अ फिनोक्साइड आइन. कि ये फिनोक्साइड आइन क्यों? फिनोक्साइड आइन की देखे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम which attack the electron of this one and the bond is broken down. That's why the loss of the proton is possible and acidic nature is shown. Like it, इसमें phenoxide ion का ज्यादा role है, क्योंकि phenoxide ion अपने आप को stable करने के लिए करता है. कैसे? Phenoxide ion electron खींचेगा, ये electron इधर donate करेगा. जैसे ये electron benzene ring को donate करेगा, ये वाला bond break और electron ortho position पे क्या हो जाएंगे? Shift. Again
resonating structure, negative ion is shifted at the ortho position. Then in the next case, these electrons are shifted here and this bond is broken down. Again, kya ho jayega? Shifted electron is towards the para. So same, yahan pe double bond. Then kya ho jayega? Negative electron, negative charges. After that, kya ho jayega? These electrons are shifted here and this bond is broken down. Now the electron is at, kya ho jayega? Ortho position. In the last possible structure, kya ho jayega? These electron is shifted here and this bond is broken down. Ab kya ho jayega? Jitne resonance structure badhte jayenge, utni stability kya hoti jati hai? Phenoxide ion ki badhti jati hai. Jitni stability of phenoxide ion badhta jayega, utna acidic nature kam hogi. To yahan pe ek relation bana, stability of phenoxide ion. Stability of phenoxide ion is inverse related with the, क्या होगा, एसिडिक करेक्टर. कि जितनी स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन बढ़ता जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ती जाएगी. एंड स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेजोनेंस स्ट्रक्चर. कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर के डायरेक्टली रिलेटेड होगा. अगेन एक क्लू मिला हमें कि जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी. तो यानी क्या होगा, फिनोक्साइड आयन के फाइव रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं. और ये फाइव रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ते जा रहे हैं. तो फिर यानी क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है. अगर स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो एसिडिक करेक्टर भी क्या होता जाएगा, कम. तो दैट्स व्हाई फिनोल इज लेस एसिडिक इन नेचर. फिनोल इज लेस एसिडिक इन नेचर ड्यू टू दिस वन. अब है कंपैरिजन. एक ट्रेंड लिखवा देता हूं, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एसिडिक कंपोनेंट, एसिडिक कंपोनेंट के डिफरेंट एसिडिक कंपोनेंट हैं, उनके दरमियान कंपैरिजन करना है. अब कंपैरिजन में क्या होगा, पहला, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मच एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड इज मच एसिडिक देन इनऑर्गेनिक कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड इज मच एसिडिक देन फिनोल. Is much, यानी क्या होगा, much acidic than phenol. ये phenol से ज्यादा acidic है. And phenol is much acidic than, क्या हो जाएगा, this क्या हो जाएगा, alcohol. And alcohol is, यानी methyl alcohol. Methanol is much acidic than water. And water is much acidic than other type of alcohol. So this is actually a correct order of representation of the acidic character of different type of the compound. पहला carbonic acid is much acidic, then क्या हो जाएगा, that is the, क्या हो जाएगा, phenol. And then क्या हो जाएगा, phenol is much acidic, then methanol. Methanol is much acidic, then क्या हो जाएगा, water and ethanol. So these are the different type of the effect. अब किस वजह से, हाँ जी, what is this one?